वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई पाठ 7 महिला आश्रम, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक है आचार्य काका कालेलकर जी। तो चलिए हम लेखक काका कालेलकर के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी महाराष्ट्र के सातारा जिले में। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 को हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आचार्य काका कालेलकर इनका अन्य नाम भी है, इन्हें काका साहेब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बच्चों, मराठी इनकी मातृभाषा थी, पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और बंगला भाषाओं का भी गंभीर अध्ययन कर लिया था। इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं हिंदी और गुजराती में लिखी है, जिसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, संस्मरण यात्रा, सर्वोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन लीला, बापू की झांकियां, जीवन का काव्य, उस पार के पड़ोसी। तो यहाँ पर इनकी इन रचनाओं की वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने जो गांधीवादी विचारधारा को अपना करके जो गांधी जी का साथ दिया था, उसकी वजह से आगे बढ़कर इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये एक तरह से प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति थे। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बच्चों, इन्होंने अपने देश के लिए जो भी देश सेवा की है वो तारीफ़ काबिल है। बच्चों, काका साहब गांधी जी से सन 1915 में मिले थे, और उनसे मिलने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन में उन्होंने पूरी तरह से सहभाग लिया। वो साबरमती आश्रम के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी बन चुके थे। इसकी वजह से उन्हें 5 वर्ष की सजा भी हुई थी। तो इनके इन सभी कार्यों की वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। काका जी का पूरा नाम यहाँ पर आपको पुस्तक में परिचय दिया गया है, जिसमें काका जी के बारे में बताया गया है कि इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। आपने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रसार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों के तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। यहाँ पे बच्चों इनकी प्रमुख कृतियाँ दी गई है जो हिंदी में है। हिंदी के अलावा इन्होंने गुजराती में भी प्रमुख रूप से लेखन कार्य किया है, जिसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। गद्य संबंधी यहाँ पर हमारे सामने काका जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र है, जिसमें उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण वहाँ पर कैसा होना चाहिए, वहाँ के नियम कानून आदि के बारे में उन्होंने सलाह और मशवरा दिया है। ये सब विस्तृत निर्देश दिया है वहाँ पर। और इस पत्र में उन्होंने महिलाओं के प्रति जो सम्मान प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है, अपने विचार वहाँ पर दिए हैं, और साथ में प्रकृति संबंधी उन्होंने सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया है, और सामाजिक लगाव, ये सब इनके सामाजिक जो फैसले होते थे, जो लोगों के हित में होते थे, इन सब चीजों का यहाँ पर हमें पता चलता है। तो जैसा कि मैंने आपसे ये बताया कि वो साबरमती आश्रम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्यरत थे, और इस वजह से वो ऐसा आश्रम शुरू करना चाहते थे जहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन, मतलब वो जितनी भी महिलाएं थी वो सबको बहन ही मानते थे, और जो वहाँ की संचालक थी सरोज जी, उनको वो अपनी तरफ से सलाह देना चाहते थे किस तरह से वह महिला आश्रम का संचालन करे, वहाँ पर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनकी वहाँ पे आजादी होनी चाहिए, किसी तरह से उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, और जिस महिला का जब मन करे वह आश्रम छोड़ के जा सकती है, इस तरह के नियम कानून उन्होंने उस आश्रम के लिए बनाए थे। और वो चाहते थे कि सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी किसी को किसी के धर्म से या किसी प्रकार की जाति से उनका
पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से वो एक गांधीवादी विचारधारा के थे, तो उन्हें किसी प्रकार की वहां पे हिंसा नहीं चाहिए थी, एक शुद्ध और पवित्र वातावरण उस आश्रम में वो बनाना चाहते थे। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आश्रम के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के पास बच्चे जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरुकुल को भी आश्रम कहा जाता था, मगर आज के वक्त वर्तमान समय में आश्रम अलग प्रकार के होते हैं, जहाँ पर लोग आश्रय लेते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पे अनाथ लोग जाकर के रहते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता या जिनकी किसी प्रकार से परिवारजनों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आश्रम के प्रकार बताए हैं आपके सामने, जैसे कि महिला आश्रम इस पार्ट में है हमारे सामने, जहाँ पे महिलाओं को अलग अलग प्रकार का कार्य सिखाया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उसके बाद है हमारे सामने बाल आश्रम, जहाँ पे छोटे बच्चे जो अनाथ होते हैं उनको वहाँ पर भर्ती करके उनको वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उनको अनुशासन सिखाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हम अन्य आश्रमों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगला चित्र है विकलांग अनाथ सेवा समिति, मतलब विकलांगों के लिए जो आश्रम होता है उसे कहते हैं दिव्यांग आश्रम। अगला आश्रम है आपके सामने वृद्ध आश्रम, जहाँ पे वृद्ध लोग जाके रहते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनकी दवाई पानी का और खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। बच्चों अनाथ आश्रम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से नहीं जाते, मगर वहां पर जो लोग रहते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा वातावरण मिले कि उन्हें किसी तरह की कमी ना महसूस हो और वो आत्मनिर्भर रह करके वहां पर कार्य कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में आपके सामने महिला है, महिला आश्रम में उन्हें सिलाई मशीन दी गई है, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन सके, कुछ सीख सके, और उसके अलावा कढ़ाई बुनाई तथा अन्य कार्य उद्योग भी उन्हें सिखाया जाता है। और जब वो चीजें सीख जाती है तो वो इस आश्रम में नहीं बल्कि बाहर भी जाकर के किसी भी प्रकार का काम कर सकती है, आत्मनिर्भर रह सकती है। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, मगर एक अनुशासित रूप से, कि जहाँ पर एक समान सबको देखा जाए, किसी प्रकार का किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से सामाजिक संस्था होती है जिससे लोगों का उद्धार किया जाता है। बच्चों यह पत्र लिखा गया 21 दिसंबर 1944 को, दिन था गुरुवार। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो, तो काका जी कहना चाहते थे कि इसमें किसी पुरुष का संबंध ना हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, वो नहीं चाहते थे कि आश्रम का विज्ञापन अखबार में दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल का अर्थ होता है एडमिशन। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। यदि कोई महिला चाहती है अपनी इच्छा के अनुसार और जब चाहे वो आश्रम से जा सकती है, उसे उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। और यदि किसी महिला महिला का व्यवहार अन्य महिलाओं के साथ अच्छा नहीं है या वहां पे रहने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं है, तो उस महिला को 1 या 3 महीने का नोटिस दिया जाए कि आपको 1 महीने के बाद इस आश्रम को छोड़ के जाना है। लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा, मगर वो चाहते नहीं थे कि ऐसा कदम सख्त कदम उठाया जाए। अगला परिच्छेद, इस परिच्छेद में हमें आचार्य काका साहेब जी ने बताया है कि जो आश्रम होना चाहिए वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा रहना चाहिए। तो पढ़ते हैं, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। तो आश्रम का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए सदाचार भक्ति तथा सेवा। जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो सदाचार से रहे, सुविचार रहे, उनका अच्छा विचार हो और वो सेवा करने के भाव से वहां पर रहे, कि जो कुछ भी वो करे वो ईश्वर की सेवा और भक्ति के विचार से रहे।
आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। तो स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भर। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी लेकिन कला और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्चे से रह सके। वो चाहते थे कि उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए या इस तरह का उद्योग सिखाया जाए जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और वो किसी पर निर्भर ना रहे बल्कि आत्मनिर्भर रहे, अपनी जीविका स्वयं चला सके, अपने खर्चे स्वयं उठा सके। किसी तरह की वहाँ पर झगड़ा या विवाद नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की एक दूसरे से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कूड़न का अर्थ होता है खींच, जैसे हम किसी किसी से गुस्सा आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे वातावरण में लोग नहीं रह सकते हैं। ये वातावरण हमें क्या करते हैं, कूड़न और खींच और कला ये सब क्या करते हैं, हमें नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ाते हैं। तो वो मानवतापूर्ण आश्रय स्थान चाहते थे जहाँ पर हम एक दूसरे के बारे में सोच सके। मानवतापूर्ण मतलब मानवतापूर्ण होना, एक तरह से एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो वो चाहते थे कि आप इस तरह का वातावरण बनाइए सरोज जी, कि आप वहां पर महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, और अगर वो खुशी से रहेंगे तो आपको भी वहां पर लोगों के साथ में बिताना और संचालन करना। प्रस्तुत परिच्छेद में काका साहब सरोज जी से कहते हैं कि वहां पर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो वहां का कार्यभार उठाने के लायक हो जाएंगी, कुशल हो जाएंगी, तो उन्होंने इस बारे में यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की भक्ति के तहत प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो बहनें वहां पर रहेंगी उनको संगीत और भक्ति के साथ में प्रेम युक्त वातावरण मिले। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल है मुझे। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह तो सहारा रहेगा ही। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष तो मैं वहां पर नहीं रहूंगा मगर मेरी सलाह और सहारा हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। वो कहते हैं कि आगे जाकर को आपको स्वयं यह अनुभव होगा कि आप वहां पर निमित्त मात्र हो, आप एक सिर्फ वहां पर साधन हो जो औरतों को सहारा दे रही है, और आगे जाकर के वो महिलाएं स्वयं वो संस्था को चलाना शुरू कर देंगे। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय ना करके यथा समय मुझे उत्तर देना। वो कहते हैं कि आगे जाकर के जब आपको इस तरह से विश्वास होगा कि कोई महिला इस लायक हो जाएगी या कुशल हो जाएगी जो वहां पर आप लोगों का साथ दे सके, तो आप इस चीज के बारे में विचार जरूर करना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। वो कहते हैं कि अगर इस पत्र में आपको मेरे विचार विमर्श आपको सही लगे तो आप मुझे पत्र लिखिए और इसके लिए मैं आगे फिर। बच्चों प्रस्तुत परिच्छेद में उन्होंने यहाँ पर सर्दी और जिसे आप शीत ऋतु कहते हैं उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिंजेंथेमम, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं गुलदाउदी के फूल और क्रिंजेंथेमम इसके फूल बाहर में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। बच्चों उन्होंने गुलदाउदी और क्रिंजेंथेमम फूलों की विशेषताएं बताई है कि उनकी कलियां महीनों तक खुलती नहीं है और होठों को सीकर बैठ जाती है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी पंखुड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है इनकी, वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया।
तो यहाँ पर गुलाब भी एक फूल का नाम है और कॉस्मोस भी एक फूल का नाम है, जो छोटे आकार के होते हैं। जीनिया का एक पौधा, जीनिया भी एक फूल का नाम है, उसका पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। वो कहते हैं कि जब कोई भी इसके रास्ते के किनारे से जाता था तो उसकी कली तोड़ लेता था जीनिया के पौधे का। इसके लिए उन्होंने उस पौधे को उठाकर अपने घर के अंदर अपने सिरहाने मतलब सिर के पास रख दिया था। फिर इससे इतने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। उत्कटता का अर्थ है तीव्रता। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया, परसों ही मैंने उसे विदा दी। तो वो इस तरह से हमें यहाँ पर प्राकृतिक सौंदरता के बारे में उन्होंने बताया है, किस तरह से वो आसपास में अपने इन पौधों को रखते थे और फिर अलग अलग प्रकार के वो फूलों को लगा। बच्चों, पिछले परिच्छेद में मैंने आपके सामने कॉस्मोस और जीनिया इन दो फूलों के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आप, ये ज्यादातर कॉस्मोस के जो फूल होते हैं ये आपको दिखाई देते होंगे पहाड़ी इलाकों में, हरे घास के ऊपर छोटे आकार के फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर खिलते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, कभी येलो कलर होता है, पीला जिसे कहते हैं, कभी लाल रंग के, कभी पिंक कलर के, कभी सफेद कलर के। और यहाँ पे आपके सामने दूसरा चित्र है जीनिया, इसके भी फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इन्होंने कॉस्मोस और जीनिया, गुलाब, क्रिंजेथिमम और गुलदाउदी, इन फूलों के बारे में हमारे सामने चर्चा की थी और हमें इनकी विशेषताएं भी बताई थी। बच्चों, ये परिच्छेद इस पाठ का अंतिम संदेश है सरोज जी के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला, आज अभी मिला। महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे, वो तारीख बता रहे हैं 1, 9 और 15, और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। वो कहते हैं कि आपकी जगह पर अगर रेहाना पत्र लिखेगी तो भी मुझे चलेगा, आप आराम करिए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पूज्य बापूजी चाहते तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सिखाने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। एक किस तरह से वो उनका ख्याल रख रहे हैं, वो इतने दूर से भी उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज्यादा भार मत लीजिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आगे वो कहते हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है, मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो यहाँ पर सादे क्रोटन का चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें फूल नहीं होते सिर्फ पत्तियां होती है, ये भी देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत सारे लोग अपने बगीचे में इस तरह के गमले लगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर काका जी का पत्र समाप्त होता है। उन्होंने कहा है सबको काका का सप्रेम सुभाषित, और यह लिया गया है काका कालेलकर ग्रंथावली से, काका कालेलकर ग्रंथावली से इस अंश को लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने जो सरोज जी को अंतिम यहाँ पर संदेश दिया था वो आपके सामने। बच्चों, यहाँ पर हम स्वाध्याय संबंधी और आकलन कृति वाले कुछ प्रश्नोत्तर का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, गुलदाउदी की विशेषता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने बाहर आने पर कुछ फूलों के नाम लिए थे तो उस वक्त उन्होंने गुलदाउदी की विशेषताएं बताई थी। तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है, इनकी पहली विशेषता है कि उसके फूल बाहर में है, वे टिकते बहुत हैं, कलियां महीने तक खिलती ही नहीं, वे जब जब खिलते हैं तब तक एक एक पंखुड़ी करके खिलते हैं। अगला प्रश्न, कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, इनका कारण आपको बताना है कि काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर क्यों रखा था, और लेखक ने फूल के गमले, लेखक मतलब आचार्य काका जी ने फूल के गमले अपने पास से निकाल क्यों दिए। उत्तर है, कंपास बॉक्स मंगाने का कारण तारा के नक्शे बनाने के लिए, और दूसरा है लेखक की उनकी तरफ ध्यान देने की इच्छा
नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए थे। अगला प्रश्न, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय सादे शब्दों की सूची बनाइए। ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनके अंत में ता प्रत्यय लगा हो। उत्तर, मानवता। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंत में ता लिखा हुआ है, कुशल, आवश्यक, उत्कट। इसमें अगर ता लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा कुशलता, आवश्यकता, उत्कटता। अगला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए आश्रम के नियम। उन्होंने आश्रम के कई नियम सरोजी को बताए थे, उसमें से यहाँ पर मैं आपको चार नियम बता रही हूँ। पहला नियम है, पूरी पहचान के बिना किसी भी महिला को आश्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। तीसरा, आश्रम को ठीक ना लगे तो वह 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को भी आश्रम से हटा सकते हैं। और अंतिम है, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। तो बच्चों, परिषद में इससे भी अधिक नियम बताए हैं उन्होंने, जिसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 1-4 नियम आपके सामने। आगे है प्रश्न, पाठ में आए पर्यायवाची शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कीजिए। पर्यायवाची शब्द आपके पाठ में आए, जैसे सहारा शब्द भी है, उसका आश्रय शब्द भी दिया गया है, सहज भी दिया गया है, आसान भी दिया गया है। तो सहारा का अर्थ है आश्रय, सहज का अर्थ है आसान। तो इन चारों शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, प्रत्येक मनुष्य को सहारे की आवश्यकता है। दूसरा, महिला आश्रम में महिलाओं को आश्रय दिया जाता है। व्याकरण की जानकारी होने से भाषा सहज हो जाती है। दिन की रोशनी में काम करना आसान होता है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, सहमत अभिव्यक्ति का। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पत्र हमें वर्तमान समय में भी क्यों लिखना चाहिए। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग पत्र लिखना बंद कर दिए हैं, इसलिए इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसके विषय में अपने विचार अभिव्यक्ति कीजिए। उत्तर है, पत्र लेखन एक विशेष कला है। यह संदेश भेजने व प्राप्त करने का एक साधन है। इसके माध्यम से बहुत दूर बैठे अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। पत्र लेखन से व्यक्ति को वैचारिक क्षमता बढ़ती है। प्राचीन काल में पत्र लेखन का बड़ा महत्व होता था। पत्र पढ़ते समय यह अनुभव होता था कि पत्र लिखने वाला सामने बैठा है। आज आधुनिक समय में आत्मीयता लगभग समाप्त होती जा रही है। बच्चों, ये बहुत ही हमारे सामने एक शब्द दिया गया, आत्मीयता, मतलब हम एक दूसरे को अभी याद नहीं करते, इसके लिए यह समाप्त होते जा रहा है। पत्र लेखन केवल सरकारी कार्यालयों, स्कूलों या फिर सरकारी कामों में शेष बचा है। पत्र लेखन किसी भी छोटी बड़ी बात के स्पष्ट रूप है, जो लंबे समय तो सहज के रखा जा सकता है। अतः अगला प्रश्न, भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए जो आपको अच्छी तरह से पता है, ये शरीर के अंगों के नाम है, आंख, मुंह, दांत, हाथ और हृदय। तो इन शब्दों से जो मुहावरे बने हैं उसे आपको लिखना है, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। उदाहरण के रूप में, आंख, आंख से मुहावरा है आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, अर्थ है बहुत प्यारा होना, और उसका वाक्य है बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं। अगला है आंख लगना, आंख लगना का अर्थ होता है सो जाना, पढ़ाई करते समय मेरी आंख लग जाती। तो इसी प्रकार से मुंह और दांत, मुंह शब्द से यहाँ पर बना है, मुंह में पानी आना, खाने को जी ललचाना, मुंह छिपाना, लज्जित होना। दांत शब्द से बना है दांत पीसना, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है दांत पीसना मतलब क्रोधित होना, और दांत खट्टे करना का अर्थ है परास्त करना। और यहाँ पर मैंने वाक्य भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से आप हाथ और हृदय, इन 2 शब्दों से आप मुहावरे बनाइए, मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आपको एक ग्रीक कार्ड दिया जा रहा है।
उपयोजित लेखन के रूप में आपको पत्र लिखना है अपने मित्र या सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए। आपकी कोई मित्र या सहेली को अगर जिला विज्ञान प्रदर्शनी को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस एग्जीबिशन, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो साइंस एग्जीबिशन में अगर आपके किसी मित्र या सहेली को पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो आप उसे पत्र लिख करके बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये एक तरह से अनौपचारिक पत्र है तो इसमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको विषय विवेचन लिखना है। आप किस प्रकार से शुरुआत करेंगे पत्र की? अग्रिकार है उपयोजित लेखन, संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ और हानि, विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि संदेश वहन क्या होता है, जो हम संदेश लिखते हैं वो संदेश हम चाहे मोबाइल द्वारा हम किसी को भिजवाते हैं या फिर ईमेल करते हैं या फिर दूसरे साधन है जो आधुनिक साधनों, आजकल टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उसकी वजह से जो कुछ भी हमारे सामने इंटरनेट है, हमारे सामने मोबाइल है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो इन सब की वजह से बहुत सारी सुविधाएं तो हुई है, लाभ हुआ है, साथ में हानि भी हुई है। इनको आपको अपने शब्दों में लिखना है, 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ का सार पूरी तरह से समझ में आ चुका है, तो आप इन सभी को प्रश्नोत्तरों को अपने कॉपी में लिखिए और साथ ही साथ गृह कार्य को भी पूरा करिए। धन्यवाद।